खत्म होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान, गरीबी के निशान, हमारे जवान देश के साथ। थाने और चौकियों के चक्कर लगाते लगाते फरियादी परेशान हो चुके हैं, इसके बावजूद भी न तो उनकी कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज हुई और न ही उनकी कोई सुनवाई कर रहा। ऐसा ही मामला देखने को मिला कस्बा चमुहा में, जहां की रहने वाली लीलावती अपनी जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे की रिपोर्ट लिखाने के लिए एक सप्ताह से दो थाने और चौकियों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो चुकी है, लेकिन पुलिस उनकी सुनने की बजाय एक थाने से दूसरे थाने का चक्कर कटवा रही है। वही वृद्ध लीलावती ने बताया कि उसकी हाईवे किनारे थाना चाहता और वृंदावन बॉर्डर के बीच जमीन है जो उसके नाम पर रजिस्टर है, उसके बावजूद भी कुछ दबंग उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं, जबकि न्यायालय ने भी उनके पक्ष में जमीन होने का फैसला दिया है। इसी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए लीलावती थाने और चौकियों की चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस उसे अपने थाने क्षेत्र का मामला न बताकर दूसरे थाने की घटना बताकर एक सप्ताह से इधर से उधर दौड़ती चली आ रही है। उसने बताया कि चाहता पुलिस ने तो उसका प्रार्थना पत्र तक फाड़ कर फेंक दिया। वहीं रविवार की देर रात जैत चौकी पहुंचे वही लीलावती ने बताया कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने पूरे परिवार सहित थाने के सामने आत्मदाह कर लेगी। गणपत सिंह जी बताइए, आज यहाँ आप चौकी क्यों आए? परेशानी में आए साहब। किस परेशानी में? क्या परेशानी है? जमीन के बारे में। क्या जमीन की परेशानी है? हमारी माँ आत्महत्या करने को जा रही है, हमारी जमीन को रामवीर और सहदेव दरोगा का है, वो जबरदस्ती कब्जा कर लिया, एग्रीमेंट फर्जी करा दिया हमारी जमीन को लीलावती को। तो इसमें आपने कोई पुलिस में या कहीं कोई न्यायालय में कोई ऐसा कोई बात दायर नहीं किया कि? न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, तीन तीन जबरदस्ती पुलिस द्वारा कब्जा करना चाह रहा है वो। तो आपने पुलिस की कोई सपोर्ट नहीं किया? कागज मंगल दिवस में हमने दिए, छाता कोतवाल ने हमारे हाथ में थे छुड़ा लिए थे, मंगल दिवस में नहीं दे पाए। आपने कोई पुलिस में कोई ऐसी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? नहीं नहीं। क्यों नहीं कराई? पुलिस को नहीं बताया आपने? वो जो कहते हैं छाता वाले जज चौकी जाओ और जेंट वाले कहते हैं मथुरा जाओ, वो छाता जाओ। तो हम कल एसपी साहब के पास जाएंगे और रिपोर्ट दर्ज कराएंगे एसपी साहब के पास। एसपी साहब? हाँ जी।